हाँ दीवार तो चलिए बात नहीं कर सकते, धीरज के बारे में बात सुनूंगा तो फिर से हाई हो जाए, चैन से सोना चाहता हूँ, समझ रहे? राम और प्रिया के साथ इन दिनों जो भी हुआ उसका असर इनके रिश्ते पर तो जरूर पड़ा है। जो प्रिया राम को थोड़ा सा समझने लग गई थी और जो राम प्रिया पर विश्वास करने लग गया था, ये दोनों इस भरोसे से डगमगा गए थे। अपनी शादी को खारिज होते देख ये दोनों ही नहीं देख सकते थे। अब थोड़ी सी सिचुएशन कंट्रोल में आई है तो भाई राम को एतराज है कि जब प्रिया को मदद लेनी थी तो उसने राम से क्यों नहीं ली। नीरज जो राम को बिल्कुल पसंद नहीं है, आखिर उसके पास प्रिया क्यों गई? मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हें नीरज से मदद, अगर मदद मांगनी थी तो किसी से मांग लेती ना, मतलब वो राह चल रहे इंसान से मांग लेती, तरुण से मांग लेती, वो तो बड़ा हकीक बन जाता, लेकिन उससे क्यों मांगी, उससे नहीं मांगी। मतलब मैं समझता हूँ मुझे कोई हक नहीं है तुम्हें ये कहने का, लेकिन नीरज से बिल्कुल। अब प्रिया ने भी सफाई दी कि वो राम को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन भाई प्रिया आप तो राम का स्वभाव जानती है ना, वो कभी आपकी बातों से परेशान हो ही नहीं सकते। खैर अब आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है, और रही बात विश्वास खोने की, तो जो विश्वास आप दोनों का खो गया है ना एक दूसरे से, उसे कोई और नहीं बल्कि राम ही दोबारा लेकर आएंगे, आप देख लेना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।